इंस्टॉलेशंस हैं या जो धार्मिक स्थल है या मॉल्स है, तो टाइम टू टाइम वहाँ एक टेरर सिनेरियो बना करके उस पर ड्रिल करते हैं। उसी का एक गोलागतनी समाचार बटुए गया से रिपोर्टर बानी बिहार ब्यूरो पीके मिश्रा जी। खबर के हेडलाइन सुनिए। विष्णुपद मंदिर में आतंकी के द्वारा मंदिर के पुजारी और श्रद्धालु के लिहल गए अपना कब्जा में, अब एक कई गए मौक रिल। खबर का बा विस्तार से जानी। बिहार ATS के टीम देर रात गया के विष्णुपद मंदिर में मॉक ड्रिल कैलस। टाउन DSP या जिला प्रशासन के टीम भी रहल मौजूद। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिहार ATS के टीम गया पहुंचल भी है, जहां विष्णुपद थाना क्षेत्र स्थित विष्णुपद मंदिर में मॉक ड्रिल कैल गए। लगातार हो रहल बारिश के बीच टीम देर रात गया पहुँचल। मौका पर मौजूद ATS के सुरक्षा अधिकारी बतैलन कि सुरक्षा के लेके रूटीन मॉक ड्रिल हटुए। मॉक ड्रिल शुरू होके के पहले टीम के सब सदस्य संवाद सदन समिति के कार्यालय में वो बैठक कैलन। एकरा बाद मॉक ड्रिल देर रात शुरू भइल। इस दौरान सिटी DSP राजकुमार शाह विष्णुपद थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौजूद रहलन। बता दें कि कोरोना काल के लेके वर्तमान समय में आम जन खातिर विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना बंद बा। रात 11 बजे से बिहार के ATS टीम विष्णुपद मंदिर के बगल के दुकान के रास्ते अपना पोजीशन में अलग अलग टीम मंदिर परिसर में गई। इस दौरान मंदिर के बाहरी परिसर पूरी तरह से खाली रहे, स्थानीय दुकान बंद हो चुकल रहे। करीब 2 घंटा तक चलल यह मॉक ड्रिल के बाद सब ATS के जवान बाहर निकलें। बता दें कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैल गए है ताकि आतंकी कोनो हमला हो तो एक से बचे के उपाय का बटू ATS के टीम कैसे काम करी। एक में देखावल गई कि कौना तरीका से पुजारी के साथे साथ कुछ लोग के आतंकी बंधक बना ली है तो ATS के टीम काम करी। समय समय पर ऐसा मॉक ड्रिल होत रहेला ताकि आवे वाला समय में विकट परिस्थिति में ATS के टीम अपन कार्य कर सके। यही दरमियान ये ATS के दिखावल गई भोजपुरिया समाचार उरा के लाइव पूरा दिखाई आई। रउरा सभी देखब कि ATS के टीम कैसे मॉक ड्रिल करेले, बचाव के उपाय कैसे निकालेले, कैसे आतंकियों पर कब्जा करेले, सारा कुछ लाइव भोजपुरिया समाचार दिखाई। आ ATS के इंस्पेक्टर साहब का कहता नहीं इहो दिखाई भोजपुरिया समाचार। ये पूरा कवरेज बिहार ब्यूरो PK मिश्रा जी के माध्यम से मिलल बटुए। देख सकीला कौना तरीका से ATS के टीम पूरी तरह से पोजीशन में अपन सुरक्षा के पूरा बेहद व्यवस्था करके आतंकी से लड़े खातिर कौना तरीका से ATS के टीम काम करेले, कौना हिम्मत के साथ ATS के टीम वो गर्भगृह में प्रवेश करेले जहाँ पे आतंकी छिपल रहेलन। इस सारा कुछ भोजपुरिया समाचार चार को मॉक ड्रिल के माध्यम से दिखावल जाए, वही लाइव दिखावल जाए। तो लाइव देखी रात में मॉक ड्रिल भइल बटू ATS के देखी। खंभा के सपोर्ट लीजिए तो आप लीजिए, नेचुरल में आइए। ठीक बना ठीक है, रिपोर्ट दे देते हैं, साथ में टैग कर दिया जाएगा। रिपोर्ट लेने के बाद अपना
तमाम एटीएस एंटी टेररिस्ट की टीम जिसका हेडक्वार्टर पटना में है और बिहार के जो भी इम्पोर्टेंस
इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं या जो धार्मिक स्थल है या मॉल्स है, तो टाइम टू टाइम वहाँ एक टेरर सिनेरियो बना करके उस पर ड्रिल करते हैं। उसी का एक भाग है जो यहाँ आज विष्णुपद मंदिर में भी एक मॉक ड्रिल किया गया है, जिसमें आतंकियों के घुसने की सूचना थी और कुछ लोगों को बंधक बना के होस्टेज सिचुएशन था, उसी को न्यूट्रलाइज करके कार्रवाई की गई है।